नगर के मुख्य मार्गों पर दुकानदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से दुकानें सजाई जाती हैं, जिससे मुख्य मार्गों की नालियों सहित मार्ग के एक बड़े हिस्से को भी दुकान सजाने के लिए उपयोग कर लिया जाता है, जिससे बाजार के मुख्य मार्ग अत्यंत सक्रीण हो जाते हैं, जिससे नगर की यातायात व्यवस्था अवरुद्ध तो होती है, साथ ही अन्य कई प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न होती है। मुख्य मार्गों पर इस तरह का अतिक्रमण नगर व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है। बाजारों में मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आज नगर पालिका परिषद खुरई एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही की गई है, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गेश सिंह, शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका की राजस्व शाखा, स्वच्छता शाखा सहित नगर पालिका अमले ने पुलिस प्रशासन के साथ कार्यवाही की है। अनाधिकृत रूप से किए गए अतिक्रमण को हटवाते हुए भविष्य में अतिक्रमण ना करने सहित कुछ दुकानदारों की सामान जब्ती की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गेश सिंह ने बताया कि बाजार में अनाधिकृत रूप से किए गए अतिक्रमण के बारे में पूर्व में ही विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम सहित मौखिक समझाइश दुकानदारों को दी गई थी, परंतु उक्त सूचनाओं को दुकानदारों द्वारा अनदेखा करते हुए बाजार सहित नगर व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, जिसके बाद आज शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा की पुलिस प्रशासन की टीम एवं नगर पालिका अमले ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नगर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है एवं कुछ पर चालानी कार्यवाही भी की है। साथ ही भविष्य में इस तरह की अनुचित गतिविधियों को पुनः न दोहराने एवं नगर व्यवस्था में सहयोग करने की अपील समस्त दुकानदारों, फुटकर विक्रेताओं एवं फल सब्जी विक्रेताओं से की है। कुछ दिनों से खुले शहर में जो मुख्य मार्केट वहाँ देखा जा रहा था कि जो सब्जियों के ठेले हैं और अवैध रूप से ठेले लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, उनका हमने काफ़ी दिनों समझाया थी कि अनाउंसमेंट कराया गया, हमारे कर्मचारी प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे थे, पर कुछ ठेले वाले अवैध रूप से वहाँ पर अपनी दुकानें लगा रहे थे, जिसके तहत हमने आज कार्रवाई की गई, जो कुछ ठेले को हटाया गया और जो अस्थायी रूप से अतिक्रमण थे उसको हटाया गया। आगे से वो ऐसा ना करें, उसके लिए आगे से जो अतिक्रमण हुआ था उनको हमने समझाइश भी दी है, कुछ सामान जब्त किया है और चालान के भी काटे हैं।